सानी साहब, आपने अपने पिता की बहुत सी फिल्में देखी होंगी। आप उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे एक्टर थे, कैसे इंसान थे, आपके उनसे पर्सनल रिलेशन कैसे थे? देखिए, पर्सनल रिलेशंस एक बाप और बेटे में क्या होते हैं, वैसे रिलेशंस थे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही अच्छे पिता थे वो, और सारे ख़ानदान के साथ उनके दिल में बहुत प्यार था। वो ये नहीं समझते थे कि क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ या उनकी अपनी दूसरी बेटियाँ हैं, उनसे ज़्यादा उनको मोहब्बत होनी चाहिए। सारे ख़ानदान के साथ, मुख्तलिफ जो हमारे ख़ानदान के लोग हैं, सबके साथ बड़ा प्यार था, खलूस था उनका। और ही वॉज अ वंडरफुल फादर, आई लाइक टू से दैट, दैट्स ऑल, ही वॉज वेरी ग्रेट। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इस तरह का पिता मुझे मिला, और क्या कह सकता हूँ। बलराज जी एज एन एक्टर कैसे थे? हाँ, उनके एक्टिंग के बारे में इंसान क्या कहे, वो तो सारा हिंदुस्तान जानता है। और अजीब बात यह है कि अभी उनको कोई 30-35 साल हो गए हैं उनका देहांत हुए, मगर फिर भी ये कहना मुनासिब होगा कि उनकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, और याद ही नहीं करते, मगर मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले से ज़्यादा याद करते हैं उनको। आजकल के जो नौजवान एक्टर्स हैं, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि उनसे बड़े प्रभावित हुए हैं, मुतासर हुए हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। वो एक मिसाल थे अपने में, एक इंस्टीट्यूशन थे, और उन्होंने एक रियलिस्टिक एक्टिंग का जो एक स्कूल उनका था, वो अपनी छाप छोड़ गए। और जो भी इनकी फिल्में हैं, अजीब बात है कि आज भी वो जब टीवी पे दिखाई जाती हैं तो लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना उस पुराने ज़माने में किया करते थे। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर, इनक्रेडिबल एक्टर। अपने पिताजी की फिल्में तो देखी होंगी, उनमें से कोई ऐसी फिल्म जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो? उनकी हर फिल्म, बेटे होने के नाते तो उनको पर्दे पर देख के एक जो जज्बात अंदर से पैदा होते हैं, वो तो अलग बात है। किसी भी रोल में वो मुझे हर रोल में पसंद आए हों, हर रोल को, ऐसा उनका रोल ही नहीं जिसमें वो मुझे पसंद ना आए हों। हर हर किरदार से मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अगर मैं उनकी नकल करना भी चाहूँ तो वो नामुमकिन है, क्योंकि वो बिल्कुल अद्वितीय इंसान थे, अद्वितीय एक्टर थे। मगर उनकी जो फिल्में जो लोगों के दिल में और मेरे दिल में छाप छोड़ गई हैं, वो मैं तो पहले कहूँगा कि एक उनकी फिल्म थी 2 बीघा ज़मीन, जो लोग आज तक, जब मैं शूटिंग करता हूँ, आज तक जो बुज़ुर्ग हैं वो उनका एक एक सीन याद करते हैं उस फिल्म का, हालांकि फिल्म को आए मेरे ख्याल 50 साल हो चुके हैं। उसके बाद सीमा फिल्म से मैं बड़ा मुतासर हुआ था। ये एक बहुत ही कमाल की फिल्म है, जो आजकल लगता है लोग बना भी ना सकें, इतनी अच्छी बनी थी वो उस ज़माने में, और इतना अजीब और इतना मुश्किल सब्जेक्ट था वो, उसमें मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके अलावा उनकी फिल्में जो लोगों को बहुत याद आती हैं, वो है तलाश, फिर एक फूल दो माली। उसके अलावा मैं तो समझता हूँ उनकी सबसे मुश्किल और बेहतरीन फिल्म जिसमें उन्होंने काम किया, वो माफ कीजिए, वो थी काबुलीवाला, क्योंकि वो रोल वाकई बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल हूबहू एक काबुलीवाला बनना, उसमें उन्होंने कितनी मेहनत की वो मैं जानता हूँ, क्योंकि उस ज़माने में वो बहुत कई अरसे तक जाके इन काबुली वालों के साथ रहा करते थे, सायन में 15-20 दिन 1 महीना उनके साथ रहे, उनकी चाल ढाल, उनके बोलने चालने का उन्होंने तरीका सीखा, बड़ा मुश्किल रोल था। उसके अलावा उनका जो आखिरी फिल्म थी उनकी गर्म हवा, वो भी एक बहुत बहुत ही, मैं समझता हूँ, क्लासिक फिल्म है, जो कि लोग कभी भूलेंगे नहीं, अजीब और गरीब फिल्म है। उसमें भी उन्हें उन्हें बहुत बहुत मेहनत की उन्होंने, आज तक लोग याद करते हैं उनकी फिल्म वक्त, वो गाना आज तक जहाँ भी जाओ तो आज भी लोग गाना गाते हैं और सुनने को पसंद करते हैं, मेरी जोहरा जमीन। तो ये फिल्में जो हैं उनमें वाकई छाप छोड़ गए, और बाकी बहुत सी फिल्में थी उनकी जिनके नाम अगर लूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त हो सानी जाएगी। साहब, आपके पिता ने कुछ कहानियाँ और कुछ कविताएं भी लिखी हैं, उनके बारे में बताइए। जी, वो एक अदीब थे, एक साहित्यकार थे, और अपने आप को वो पहले अदीब और साहित्यकार समझते थे, लिटरेरी आदमी समझते थे, और बाद में अपने आप को एक्टर समझते थे। हालांकि
कुछ थोड़ी देर हुई मैं पंजाब गया था और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब मैंने बातचीत की तो पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग कह रहे थे कि हम उन्हें पहले राइटर समझते हैं क्योंकि उनकी किताबें पंजाब यूनिवर्सिटी के करिकुलम में हैं। वो लिखते गुरमुखी में थे, पंजाबी में लिखते थे, तो उन्होंने कई अपने सफ़रनामे लिखे हैं, रूसी सफ़रनामा, पाकिस्तानी सफ़रनामा, उन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं, ड्रामे भी लिखे हैं और एक बड़ा बहुत काफ़ी मोटा अच्छा खासा ग्रंथ है उनकी उनकी उनके लिटरेरी आउटपुट का। और वो उनका पहला प्यार था लिखना, कुछ भी हो जाए, चाहे शूटिंग हो चाहे शूटिंग ना हो, यहाँ हो या कहीं दूसरी जगह हो, तो उनका टाइपराइटर हमेशा साथ में जाता था और मुसलसल हर रोज़ बाकायदा वो 4-5 घंटे तो ज़रूर लिखते थे। उन्होंने बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं और बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे लिखे हैं। हमारी यहाँ